आप सभी भक्तों को हमारा प्यार भरा जय श्री राधे। सज्जनों, आइए हम आप सभी को ये बताएंगे, असल आस्था के माध्यम से माँ भगवती के सातवें दिन की पूजा किस विधि से करें और क्या फल मिलेगा, क्या नाम है। सज्जनों, याद रखिए और देखिए आप लोग, सप्तमम काल रात्रि च, सातवां जो नवरात्र का है माता काली का है, माता काली को यदि प्रसन्न करना है तो सज्जनों याद रखिए, सुंदर आप एक माला बनाए माता काली के लिए। और लेकिन ये पूजा घर में जो आप पूजा कर रहे हो वो पूजा करिए, घर में जैसे माता कात्यानी माता का ध्यान कीजिए और कात्यानी माता का पूजन कीजिए, कात्यानी माता को धूप दीप से जो घर में जो कलश रख रखा है कलश के सामने, मां की जो प्रतिमा है उसके सामने पत्र पुष्प नैवेद्य से जल जल से गंगा जल से पंचामृत से मां भगवती को स्नान कराएं, तत्पश्चात वस्त्र आज चढ़ाएं, एक चुन्नी मां को अर्पण करें, एक चुन्नी मां को, और फिर जो है पत्र पुष्प चढ़ा करके सुंदर इत्र आदि धूप दीप आदि चढ़ा करके मां भगवती को मिष्ठान का भोग लगाएं, मां भगवती को मिष्ठान का भोग लगाएं। लेकिन भोग के साथ साथ सजनों थोड़ा सा गुड़ का भी भोग लगाइएगा, ये गुड़ का भी भोग लगाइएगा, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। गुड़ का भोग लगाइएगा, सप्तमम काल रात्रि च महा काली माता को गुड़ का भोग लगाइएगा और फिर पत्र पुष्प अर्पण करके नैवेद्य अर्पण करके सुंदर जल छोड़िएगा भगवती के सामने और भगवती से प्रार्थना कीजिएगा, रोगा नशेषा नपिहंस तुष्टा रुष्टा तुकामान सकला नभिष्टा। इस मंत्र से मां भगवती को प्रार्थना, नहीं मंत्र जानते हो तो प्रार्थना कर लीजिए, माता हमारे जो घर के दुख हैं उसको दूर कर दिए, उस पर कृपा कीजिए, हमारे कष्ट दूर हो जाए। तत्पश्चात घर पे किसी कन्या का पूजन करें और उस कन्या का जो फल जो है तो एक कोई फल दीजिए, थोड़ा सा गुड़ दीजिए, दक्षिणा दीजिए और तिलक कीजिए, चरण धोइए, प्रणाम उस जल को छींटा लगा लीजिए, आपके कष्ट दूर होंगे सज्जनों। दूसरी बात, और उस दिन जो है सातवें दिन किसी मां भगवती के मंदिर में जाना चाहिए जहां माता काली विराजमान हो, माता कात्यानी का जो है जाकर के मां काली का जो है कात्यानी माता का सुंदर एक गुलाब का पुष्प की माला अर्पण करें, एक नींबू की बनी हुई माला पहनाए, नींबू की बनी हुई माला, ये तो उसमें महाराज जितनी माला के पहना सकते हो, नौ माला की हो, ग्यारह माला की हो, इक्कीस मां नींबू की हो, इस हिसाब से मां भगवती को माला अर्पण करें और मां भगवती को जो है दो दीप जलाएं, तेल के दिए जलाना चाहिए, धूप दीप जलाएं तेल का दीप, और माता कात्यानी को जो है एक नारियल एक चुन्नी और फल मिष्ठान माता कात्यानी को अर्पण करें और कहां पे मंदिर में जाकर के और माता कात्यानी से प्रार्थना करें, माता हमारे पर कृपा कर दीजिए और हमारे जो कष्ट हैं उसको हरण कर लीजिए, इस प्रकार से हमारे व्यापार में वृद्धि कर दीजिए। यदि माता की कृपा हो जाए, कात्यानी माता की कृपा होती है आप पर, याद रखिए सज्जनों, यदि माता की कृपा आप पे जरूर बरसेगी, इस विधि से यदि आप पूजा करोगे और मां का जो है मां के सामने बैठ करके दुर्गा चालीसा का पाठ या मां के बीज मंत्र का जाप जरूर करना, यदि भगवती का पाठ करवा देते हैं तो कहने क्या है, क्योंकि नवरात्र बड़े सुंदर ये नवरात्र हैं और इसमें जो तुम वरदान मांगोगे, जितनी ज्यादा पूजा करोगे उतना ज्यादा ही फल मिलेगा, इसलिए भगवती की उपासना ज्यादा से ज्यादा करना और मां भगवती का जाप, कुछ नहीं आता तो मां भगवती का एक माला तो प्रतिदिन जरूर करिएगा सज्जनों, एक माला प्रतिदिन करिएगा, ओम यंग ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे, इस मंत्र का एक माला जरूर करिए, वैसे करना तो ज्यादा चाहिए लेकिन एक माला तो कम से कम करना ही है, जरूरी है। तो सज्जनों, इस विधि से आप मां भगवती का पूजन करें और मां भगवती से प्रार्थना करें तो आप पर मां भगवती जरूर प्रसन्न होंगी और आपकी मनोकामना पूरी होंगी और आपके जो है
समस्त मनोकामना पूरी सनई सनई आपके दुख दूर हो जाएंगे। और एक दिन आपकी मन जो है मनसा वाचा कर्मणा से आप भगवती की सेवा करने लग जाओगे, भगवती की पूजा करने लग जाओगे। क्यों? आपको विश्वास हो जाएगा कि कलयुग में माँ भगवती की पूजा से बिल्कुल प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, इसलिए माँ शेरा वाली आप पे जरूर कृपा करेगी और आप इस विधि से पूजन करते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।